देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। नारायणबगड़ और नलगांव के बीच लाल मिट्टी नामक स्थान पर कर्णप्रयाग ग्वालदम अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग अचानक पहाड़ दरकने से यातायात के लिए बंद हो गया था, जिस कारण सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों यात्री फंसे हुए थे। हालांकि बीआरओ ने सड़क खोलने का काफी प्रयास किया, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने उनकी मेहनत में बार बार खलल डालकर सड़क को बाधित रखा। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खुल पाया है। हरीश रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। कुछ देर में तहसील कार्यालय पहुंचकर सांकेतिक तालाबंदी करेंगे, सरकार द्वारा गैरसैंण की उपेक्षा से नाराज हैं। उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने बुधवार को सतलुज जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति और तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि परियोजना में बड़ी संख्या में कार्मिक काम कर रहे हैं, इसलिए ग्रामीणों की आजीविका को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों का क्रय किया जाए, ताकि स्थानीयों की आर्थिक मजबूती हो सके। उसके बाद जिलाधिकारी ने राजकीय उद्यान जरमूला का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मुख्य उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सेब, अखरोट, आड़ू की उन्नत प्रजाति के पौधे तैयार करने के साथ साथ सेब की अधिक अवधि तक चलने वाली पौध भी तैयार की जाए, ताकि बागवानों को इसका लाभ मिल सके। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का आज पहला दिन है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर सुरक्षा का जायजा भी लिया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल से 1000 पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा में लगाए गए हैं। पूरे मेले को इस क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 41 जोन और 175 सेक्टर में विभाजित किया गया है और यहाँ 1000 नहीं करीब 10000 से ज़्यादा सैनिक लगाए गए हैं और 14 जुलाई से 20 जुलाई तक भारी वाहनों का जिले में आवागमन रहेगा। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही 20 जुलाई से 27 जुलाई तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का जनपद में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कांवड़ मेले के दौरान जनपद में 9 डीजे पॉइंट्स और 13 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। शाहजहांपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुंडों की खुली गुंडई सामने आई है। यहां जमीनी विवाद के बाद मेडिकल कराने आए लोगों को दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से पीटा गया। घटना से पहले प्रधान राजा रामगिरी और पूर्व प्रधान विजय सिंह के पक्ष के बीच में गांव में जमकर लाठी डंडे चले थे। लाठी डंडों से हमला करने वाले लोग पूर्व प्रधान के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना शाहजहांपुर के थाना कुटार क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। मारपीट में घायल वर्तमान प्रधान राजा रामगिरी और उनका बेटा मेडिकल कराने सरकारी अस्पताल पहुंचा था। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडों से लैस होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उन्होंने वर्तमान प्रधान राजा रामगिरी के लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया। खास बात यह रही कि मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। इससे पहले नवाजपुर गांव में वर्तमान प्रधान राजा रामगिरी और पूर्व प्रधान विजय सिंह के बीच में जमकर लाठी डंडे चले थे और यही लाठी डंडे पुलिस की मौजूदगी में चलते रहे और पुलिस तमाशबीन बनकर देखती रही। शाहजहांपुर में एसओजी और थाना रोजा की संयुक्त टीम ने बदमाशों से मुठभेड़ में 5 शातिर ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जो ढाबे किनारे खड़े ट्रकों से हाईटेक तरीके से डीजल चोरी किया करते थे। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सरगना सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 100 लीटर चोरी का डीजल, कार, तबंचे, कारतूस के अलावा डीजल चोरी करने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शूटर बदमाश रोयल इस गैंग का सरगना है। अपने गैंग के साथियों के साथ वो कार के जरिए ढाबों किनारे खड़े ट्रकों से 1000 लीटर डीजल चुरा लिया करता था। हिस्ट्री शूटर सुनील पर जिले में कई थानों में 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में उसने अपने आप को पुलिस के सामने गले में पट्टी डालकर समर्पण भी किया था।
पुलिस उसे बड़ी सफलता मान रही है। वही अमरोहा में क्लिनिक के आगे से बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक चोरी की वारदात का पुलिस को पता नहीं चल पाया है। ब्रजगार चौकी क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं कन्नौज पुलिस ने मुठभेड़ में दो शातिर बदमाशों को धर दबोचा। छिबरामऊ पुलिस दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है। देर रात कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली के सामने वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की तीन बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। स्थानीय नागरिकों की मदद से पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने असलाह और कारतूस बरामद किए हैं। एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि आसपास के जनपदों से पकड़े गए बदमाशों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस दोनों बदमाशों को न्यायिक हिरासत में लेने की भी तैयारी कर रही है। जनपद कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली द्वारा कल सायकाल वाहनों की संदिग्ध वाहनों की व्यक्तियों की सघनता से चेकिंग की जा रही थी, तभी सौरी किराए से आता हुआ एक बाइक पे तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं। जब छिबरामऊ कोतवाली पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है तो बदमाशों द्वारा अपने वाहन को पीछे मुड़ते हुए भागने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ उनको घेराबंदी की गई और उनको कब्जे में लिया गया। उनकी जमा तलाशी में उनके पास से असलहे साथ ही साथ मादक पदार्थ बरामद होते हैं और उनसे लड़ाई से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जनपद के निकटवर्ती थानों और निकटवर्ती जनपदों में इसकी सूचना दे दी गई है। अलीगढ़ थाना महुआखेड़ा क्षेत्र के जीजी रोड स्थित आराध्य अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई। परिजनों ने हंगामा काटा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। देर रात मरीज की तबीयत बिगड़ी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सरकारी जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा लगातार देखा जा रहा है। अवैध कब्जेदारों और भूमाफियाओं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का जिला प्रशासन पर आरोप लगा है। बीते कुछ दिन पहले पूर्व शिकायतकर्ता समाज सेवी ने दबंग भूमाफियाओं के अवैध कब्जे की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखित रूप से दी थी। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने को लेकर समाज सेवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कार्रवाई न होने पर 30 जुलाई को सत्याग्रह रैली निकालने की बात कही है। शिकायतकर्ता समाज सेवी शहर के स्टेशन चौराहा स्थित राम होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पीलीभीत के ऐसे दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका परिषद की जमीन और जिला पंचायत से नक्शे भी पास हो जाते हैं। विनिमित क्षेत्र आजकल ग्रीनलैंड में भी नक्शे पास कर दे रहा है। ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दों पर जब मैंने इन भूमाफियाओं के खिलाफ बोला, वो ये सारे मुद्दे भूमाफियाओं के खिलाफ है। मैं चाहता हूँ कि जो जमीन उन्होंने कब्जा करी है, सरकारी जमीन, वो सरकार को वापस कर, सरकार उसको अपनी वापस ले और इनके जितने भी इन लोगों ने अपने जो निर्माण करा रखे इनका ध्वस्तीकरण हो। लेकिन पीलीभीत प्रशासन लगातार हीला हवाली के चलते कोई भी काम नहीं कर रहा। मैं अगर मिलता हूँ जाके अधिकारियों से तो अधिकारी बात को मामले को टाल देते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जो है आप मुख्यमंत्री कार्यालय गए लखनऊ के होकर आए, क्या कुछ वहाँ मुख्यमंत्री से? मैं वहाँ गया था, मैं लखनऊ 3 दिन रहा, मैंने वहाँ पे जाके मुख्यमंत्री से मिलने गया था, लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री जी किसी का उन्हें कोई काम आ गया था, वो अपने चले गए थे। बुलंदशहर के थाना आरा क्षेत्र के पास एक गांव बामनपुर में भगवत कथा सुनने गई एक मासूम नाबालिग लड़की को खेत में खींच कर दो दरिंदों ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। कक्षा 6 की छात्रा बताई जा रही है। पुलिस ने नाबालिग किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित किशोरी के पिता ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ दरिंदों ने दंगी की है। पीड़ित पिता ने बताया कि दंगी को अंजाम देने वाले का नाम उन्हें पता है और वो इसी गाँव के रहने वाले हैं।
कल मेरी बच्ची मंदिर पर भागवत सुनने के लिए गई, वहाँ से वो 4 बजे बाथरूम के लिए उठी और एक जंगल सहाया में बराबर में बाथरूम करने लगी तो एक लड़के ने आकर उसका मुंह खींचा, उसने हल्ला मचाने की कोशिश करी तो पता नहीं क्या मारा फूंक से उसके मुंह पे, मेरी लड़के को बेहोश करके वो 2 लड़के वहाँ से उठा कर ले गए और वहाँ से उठाने के बाद में उन्होंने बहुत दरंगी करी मेरी लड़की के साथ में। मेरी लड़की अभी नाबालिग है, 14 वर्ष की उम्र है। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे सर। वहीं बुलंदशहर में ही थाना कूजा क्षेत्र में एक 6 वर्षीय बच्ची को अपने घर टीवी देखने के बहाने बुलाकर पड़ोसी दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदे युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है, कूजा स्थित अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित पिता ने बताया कि पड़ोसी रवि ने उसके नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है। कौन लोग थे? कौन है? पड़ोस का लड़का है। अच्छा, रवि नाम है उसका। पकड़ लिया वो? पकड़ लिया मौके पर। कैसे हुआ था वो? मैं कैसे हुआ था? लड़की बाहर खेल रही थी मेरी। हाँ। और उसको अंदर ले गया टीवी दिखाने के बहाने। अच्छा, और उसके साथ में अंदर दुष्कर्म कर दिया उसने। कैसे पता पड़ा? घटना के बारे में सूचना मिली है, इस पे मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए थे। क्या मामला था सर, प्रकरण का? एक छोटी बच्ची थी, उसको बगल का ही पड़ोसी उसको घर में बुला करके टीवी दिखाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म करने की बात अभी प्रकाश में आई है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के छतारी क्षेत्र के स्कूल से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए कक्षा 2 के छात्र का 20 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है, पुलिस के हाथ खाली है। संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए कक्षा 2 के छात्र हर्ष का शव मिला है अलीगढ़ क्षेत्र के हरदुआगंज के रजवाही में। हर्ष के शव मिलने से गांव में सनसनी फैली हुई है, परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र गांव शेखपुर का ये मासूम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस को इसका सुराग नहीं लग पाया है, जिसको लेकर परिजन लगातार हंगामा काट रहे हैं। थाना छतारी में एक SR इंटरनेशनल स्कूल पड़ता है, इसमें एक 7 वर्षीय बच्चा पढ़ने आता था। कल वो जब घर नहीं लौटा तो परिवारजनों द्वारा खोजबीन की गई, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद से सर्च टीमें लगी हुई थी बच्चे को खोजने के लिए। आज उस बच्चे की बॉडी नहर में जनपद अलीगढ़ में मिली है, तो वहाँ परिवार के साथ पुलिस टीम मौजूद है और फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है और परिवार ने स्कूल प्रशासन पर कृपया आरोप लगाए हैं। इस संबंध में पूर्व में ही मुकदमा पंजीकृत था और इस पूरी घटनाक्रम के अनावरण के लिए हमारी 6 टीमें लगी हुई हैं जो इस पर काम कर रही हैं। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। अभी तक सर कोई हिरासत में लिया गया? कुछ स्कूल से संबंधित लोग अभी पूछताछ के लिए लाए गए हैं, जिनसे विस्तृत रूप से पूछताछ चली। बुलंदशहर के कूजा क्षेत्र निवासी विवेक नामक युवक पर करीब 15 से ज्यादा दबंगों ने लाठी डंडे और हॉकी से हमला कर दिया। दबंगों द्वारा किए गए हमले में युवक घायल हो गया। वहीं युवक ने बताया कि मेरे गांव का ही निवासी है दीप, जिसने नकाबधारी बदमाशों को साथ लेकर उस पर हमला किया है। गांव में दीपू से उसकी पुरानी रंजिश चल रही है, सबसे पहले आकर हमला उसने ही किया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज खुर्जा सामान दुकान को सामान लेकर जा रहा हूँ, 10-15 लड़का आगे लगे हुए, कुछ ने डांटे मार रहा कि एक मेरे गांव को दीपू नाम को लड़का वहाँ आते मेरे मैं भाग भगवान में हॉकी मारी है सिर में, फिर मुँह आखें अंधेरों पर सब ने धुआना सिर में हॉकी बजाई है सब। मैं खाली मैं दीपू नाम का लड़का ही पहचानूँ और बाहर की पता कौन है मुँह वो सब 10-15 लड़का है वो। क्या हथियार था उन पर? सब में हॉकी कसी के बेटे सामने धुआं सिर बजाएं, एक मिनट तो शायद उठा के बुलाएं घर की। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।